अभी टीजर के साथ में आप किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं ये माइटी बुल बीस्ट। आप देखिए इसकी हाइट देखिए और इसका कलर। ये करीबन एक 6.5 फीट के ऊपर का बुल है, करीबन 1 टन से बड़ा ये बुल है। इसके फीचर देखिए, क्या सुंदर फीचर, सुंदर बुल है इसका। बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसके, और इसी के बेहतरीन फीचर के साथ में इसका बेहतरीन जेनेटिक्स है। राइट, जब मैं जेनेटिक्स की बात करता हूँ, ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि जेनेटिक्स के बारे में क्यों बात की जाती है, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेड प्राइम टाइम बुल है जो हमने यूएसए पे इम्पोर्ट किया है इसे 2019 में। और आज इसका अगर आप देखेंगे कि इसका टीपीआई काफ़ी बेहतर है, इसका आइडिया है काफ़ी बेहतर है। आइडिया की मैं जब बात करता हूँ तो इसका इंडियन डेयरी इंडेक्स जबकि 5000 के ऊपर में, इसका मतलब होता क्या है कि जो भी इसकी बच्चियाँ होगी, जो भी डॉटर्स होगी, ये किसान भाइयों को 50,000 से ज़्यादा उनको फ़ायदा करवाएगी, प्रॉफिट दिलवाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि अपनी माताओं से वो बच्चियाँ कैसे बेहतरीन होगी, वो दूध के द्वारा, वो फैट के द्वारा, वो डिसीज़ ना होने के द्वारा, तो उसका महत्व है। अगर ये बुल की मैं बात करूँगा, बीस्ट अपने आप में अपने नाम के जैसा काफ़ी अच्छा बीस्ट है। इसका दूध का प्रमाण है 13,260 लीटर एक साल में, वो बहुत ही सुंदर इसका दूध का प्रमाण है। और उसके साथ साथ में इसका जो फैट परसेंटेज है लगभग 4% है, 3.98% फैट का परसेंट, ये काफ़ी सुंदर और बेहतरीन है एज़ फार एज़ द होल्स्टीन एचएफ की बात अगर हम करते तो। और इसका जो ट्रांजिशन राइट है, ये 4 स्टार इसको मिले हैं। जी हाँ, मतलब इसकी जो डॉटर्स रहेंगी उसमें मस्टाइटिस, मेट्राइटिस और किटोसिस के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं उनको, काफ़ी कम। और ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ABS का ये प्रोप्राइटरी फीचर है जिसे हम ट्रांजिशन राइट कहते हैं। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हम इसमें आपको आने वाले समय में देंगे। साथ ही में ये A2B है, राइट? इसका टेस्टिंग है? या इसका हमने जब टेस्टिंग किया है तो ये बीटा केजिन में A2 पाया गया है। इसकी बच्चियां जो होगी जो A2 दूध बनाएगी, और ये हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीज़ों के ऊपर में जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। ये बुल जो है अवेलेबल है दोनों में, आपको कन्वेंशनल में भी मिलता है, ये सेक्सेल में भी मिलता है, मतलब सेक्सीमैन में। तो कन्वेंशनल में इसकी जो लगभग कीमत है 105 रुपये, और अगर मैं सेक्सेल की बात करूँ तो ये लगभग 1250 रुपये में अवेलेबल है। सो बहुत बेहतरीन बुल जो कि किसान कन्वेंशनल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो 100 रुपये, 105 रुपये, यानी बहुत ही वाजिब दामों में, काफ़ी वाजिब दामों में 13,000 लीटर वाला दूध इतने एक वाजिब दामों में मिलना काफ़ी बेहतरीन डील है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो बाकी भी पैरामीटर है, स्टैचर और ये, जिनको डेयरी फॉर्म अच्छी एक ब्रीड बनानी है, शो क्वालिटी ब्रीड बनानी है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। इसका कलर आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन, शो क्वालिटी ब्रीड, साथ में इसका जो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ज्यादा दूध दे के भी ये जो है वो सस्टेन कर सकती है, ऐसी ब्रीड इससे बन सकती है। इससे पहले हमने देखा था ABS मैक्सिमम देखा था, उसकी जो डॉटर्स आई थी वो भी स्ट्रेंथ में बहुत अच्छी चली गई, वो भी स्ट्रेंथ में तो 72 लीटर में पहुंची है वो, काफी बेहतर है। काफी आप देख सकते हैं कैमरा के पीछे, मैं तो छुप गया हूँ, करीबन मेरी हाइट 6 फीट के ऊपर है, इतना बड़ा ये बुल है, तो बहुत ही बढ़िया।